हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आज फिर से और एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं जिस मोबाइल को अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ वो है रियलमी का C2 जो 2 GB रैम वाला है, और ये मैंने ख़रीदा हुआ है कैशिफाई सुपर सेल एप्लीकेशन से, और ये डी कैटेगरी में मैंने ख़रीदा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊँगा कि डी कैटेगरी का माल कैसा होता है। आप लोगों को अनबॉक्सिंग करके इसका पूरा डिटेल में बताऊँगा कि डी कैटेगरी का माल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसको मैं अनबॉक्सिंग करके आप लोगों को दिखाऊंगा, और इसमें कौन सा कैटेगरी लेना चाहिए आप लोगों को, डी कैटेगरी में कौन सा चीज़ ख़राब आता है और कौन सा स्क्रैच वगैरह डेंट वगैरह कितना आते हैं, वो सारा कुछ आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करके दिखाऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और साथ में घंटी बटन भी दबा देना आने वाला वीडियो के लिए। तो आप लोग जब ऑर्डर करते हो तो ऑर्डर करोगे तो आप लोगों को ओरिजिनल बॉक्स वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, और इसके साथ जो एक्सेसरीज भी नहीं मिलेगा, सिर्फ आप लोगों को ऐसा एक बॉक्स में पैक किया दिया जाएगा, वही आपका जो हैंडसेट है वही आप लोगों को मिलेगा। इससे ज़्यादा आप उम्मीद मत करना, क्योंकि ए डी कैटेगरी में है। अगर ए कैटेगरी बी कैटेगरी में आप लेते हो तो आपको चार्जर वगैरह मिलते हैं, ठीक है, मोबाइल के साथ जो चीज़ मिलता है वो मिलते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो इसको हम अभी ओपन करके दिखाऊंगा कि अंदर क्या क्या है, आप लोग देखना वीडियो पूरा, आप लोगों को समझ में आएगा। तो इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा पैकिंग रहता है, ठीक है, और इसमें कुछ बबल वगैरह ऐसा रखा हुआ है कि मोबाइल ज़्यादा ख़राब ना हो। तो इसको हटाते हैं, अभी हटा के आप लोगों को दिखाते हैं कि मेन चीज़, ठीक है। तो ये है मेरा हैंडसेट जो C2 है रियलमी का, और इसमें सिर्फ आपको इन्वॉइस मिलेगा। तो ये इन्वॉइस आप लोगों को दिखा देते हैं कि इन्वॉइस कैसा है, ठीक है, और इसमें प्राइस कितना है, वो मॉडल नंबर सारा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पर भी दिखा देते हुए आप लोग ठीक से देख लेना। तो यहाँ पे देख रहे हो सेकेंड हैंड रियलमी C2 है 2 GB रैम वाला, और यहाँ पे 2580 रुपीज़। चलो अभी इन्वॉइस को साइड में रखते हुए अभी मोबाइल को देखते हैं, मोबाइल कैसा आया है, डी कैटेगरी का फ़ोन, ठीक है। तो ये डी कैटेगरी का फ़ोन है, और ये अच्छी तरह से पैकिंग करके भेजा है। तो चलो इसको ओपन करके आप लोगों को दिखाते हुए कि स्क्रैच वगैरह और डेंट कितने आया है, और इसका कोई फ्रंट ग्लास बैक ग्लास की टूटा हुआ ना हो, और इसमें नेटवर्क का इशू ना निकले। आप लोगों को सिम डाल के भी दिखाऊंगा कि नेटवर्क का इशू आता है बहुत सारे फ़ोनों में। तो ये देखने में तो पूरा नया लग रहा है, यहाँ पे देखो एक भी स्क्रैच नहीं दिख रहा है, ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे टूटा हुआ है थोड़ा सा, आई थिंक ये जो फ्रंट का जो ग्लास है वो लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें पीछे का तो सही है, पीछे का स्क्रैच वगैरह नहीं है इतना, तो चल जाएगा। तो अभी ओपन करके दिखाऊंगा कि डिस्प्ले में कुछ ख़राबी ना निकले। तो ये तो ओपन हो गया, चलो इसको ओपन होने तक थोड़ा सा रुकते हैं, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, आप लोगों को पता चल जाएगा कि डी कैटेगरी का फ़ोन कैसा है, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। फाइनली फ़ोन ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ पर दिख रही है थोड़ा सा ऊपर देखो डिस्प्ले में डॉट है, ठीक है। तो डिस्प्ले तो नीचे तक सब कुछ सही है, लेकिन डिस्प्ले में ऊपर कोने में थोड़ा सा डॉट है, जहाँ मैंने दिखाया था कि यहाँ पे थोड़ा सा क्रैक है, तो उधर ही ये डिस्प्ले का मतलब ये डॉट पड़ा हुआ है। तो अगर ऐसे चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप लोग इसे चला सकती हो, 2500 में ये सही है। तो यहाँ पे रैम वगैरह सारा कुछ आप देख सकती हो, और इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कैमरा वगैरह सिम डाल के सारा कुछ आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चले इसको अभी कैमरा चेक करते हैं कि कैमरा कैसा है, कैमरा तो सही है, कैमरा में कोई ख़राबी नहीं है, तो कैमरा सही है। अभी ये अपन क्या करेंगे, सिम डाल के दिखाएंगे कि नेटवर्क का इशू ना हो, क्योंकि नेटवर्क का इशू बहुत आते हैं डी कैटेगरी में। तो चले इसको हम जियो का सिम लगा के दिखाएंगे कि नेटवर्क बराबर मिलता है कि नहीं मिलता है। सिम तो डाल लिया है लेकिन नेटवर्क अभी तक नहीं है, चार्जिंग पे दिखा रहा है, चलो देखते हैं अभी। देखो गाइस वहाँ पे नेटवर्क बराबर आ गया है, मतलब इसके मोबाइल पे कोई नेटवर्क का इशू नहीं है, कोई ऐसा कोई दूसरा कोई डेंट वगैरह इतना बड़ा स्क्रैच वगैरह कुछ नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है, वो डिस्प्ले में डॉट है, ठीक है। अगर ऐसे चलाना सकते हो तो चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो 2500 में यह सबसे बेस्ट डील है,